हजारीबाग में उत्पाद विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। हजारीबाग उपायुक्त और एसपी के निर्देशानुसार झारखंड बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र चौपारण के जंगली इलाका भगहर और परसातरी में देशी शराब की भट्टी पर छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें 11,000 किलो जावा महुआ और 900 लीटर चुलाई महुआ शराब को नष्ट किया गया। हजारीबाग एवं पुलिस अधीक्षक हजारीबाग के निर्देश पर चौपारण प्रखंड अंतर्गत भगहर एवं परसातरी गांव में बृहद पैमाने पर चल रहे अवैध चुलाई शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। 6 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। सभी ये अभियुक्त फरार हो गए हैं। 1 कौलेश्वर यादव, प्रदीप यादव, मासूम मियां, राम अवतार यादव, तौसीर आलम और नागो भुइया ये इत्यादि अपराध कर्मी हैं। इनके यहाँ से जावा महुआ करीब करीब 11,000 किलोग्राम बरामद हुई और तैयार किया हुआ शराब 900 लीटर बरामद हुई। ये शराब का निर्माण बिहार का बॉर्डर और बिहार सप्लाई किए जाने की योजना थी, जिसे नेस्तानाबूद कर दिया गया। चौपारण प्रखंड में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ में यह अभियान अनवरत जारी रहेगा। मॉर्निंग वॉक पर निकले बोकारो स्टील के डीजीएम नवनीत कुमार से अपराधियों ने मारपीट कर 2 सोने की अंगूठी और मोबाइल की छिनतई कर ली है। डीजीएम नवनीत कुमार सेक्टर 4 स्थित सर्कस मैदान के पास पहुंचे तो पहले से घटना को अंजाम देने के लिए मौजूद 3 अपराधियों ने नवनीत कुमार को पीछे से गमछा डालकर घसीटते हुए बीआरएल ऑफिस के पास ले गए और मारपीट करते हुए धारदार हथियार के बल पर 2 सोने की अंगूठी और 1 मोबाइल छीन फरार। डेली मैं 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता हूँ पत्थरकट्टा चौक की तरफ अपने आवास से। आज भी जा रहा था 6:15 के आसपास। जब मैं मोरलेस वहाँ सर्कस मैदान के आसपास था तो अचानक से मेरे गले में गमछा डाल के खींचा गया तो मैं गिर गया नाली में। और उसके बाद दूसरा एक और आदमी बड़ा सा चाकू निकाल के गले के पास लगा दिया। फिर ये दोनों मुझे खींचते हुए कोने में ले गए, जो एक्सचेंज और एसआरयू के पीछे का कोना है, वहाँ ले जाके उन लोग मुझे पूरा चेकिंग किए तो फिर 2 अंगूठी उनको मिली, वो दोनों अंगूठी निकाल लिए। फिर मोबाइल खोजने लगे, फिर मोबाइल पॉकेट में नहीं देख के वो लोग जहाँ हम नाली में गिरे थे वहाँ एक आदमी जाके, एक आदमी चाकू लेके मेरे पे खड़ा रहा, दूसरा जाके वहाँ से मोबाइल लेके आया। उसके बाद मुझे बोला गया कि इसमें से सिम निकाल लो, तो मैंने कहा कि ये बगैर पिन के नहीं निकलने वाला है, लेटेस्ट वाला मोबाइल है जिसमें पिन लगाने पर ही सिम ट्रे निकलता है। तो गाली देते हुए और मुझे पीछे से ढोल जमाते हुए कि भागो यहाँ से नहीं तो मार देंगे, और हल्ला करोगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे करके मुझे भगा दिया। घटना यही है कि ये सुबह टहलने के क्रम में ये टहलते हुए जा रहे थे आगे हरकट्टा की ओर, और 3 आदमी अज्ञात आया और धकेलते हुए ले आया यहाँ। ये कौन जगह है? बीआरए लोकेश ऑफिस। ऑफिस के बाद आने के बाद इसका 1-2 अंगूठी और 1 मोबाइल लेके अज्ञात 3 व्यक्ति लेके चले गए। क्या कर रही है पुलिस? पुलिस अनुसंधान कर रहा है, केस एफआईआर होगा। डेली में